गाइस, आज के वीडियो में जा रहा हूँ कुछ मिथ बस्टेड करने। और यहाँ पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी आए हैं इस देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं वे बैठे, तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। और अगर आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो मिथ नंबर वन के हिसाब से अगर हम कैमल को 60 ब्लॉक्स गिराते हैं तो बिल्कुल डैमेज नहीं होता है। यहाँ पे कैमल है और चल भाई, अरे कैमल के बच्चे हैं यार, तो ये हम इतनी मानेंगे वापस से। हाँ, ये बड़ा कैमल हुआ भाई, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसे गिराते हैं हम नीचे और देखते हैं भाई ये 60 ब्लॉक सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। चलो नीचे चल। और नहीं भाई, ये तो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो दिस मिथ इज बस्टेड यार। और सेकेंड मिथ के लिए मुझे बारिश कराना पड़ेगा। पहले तो फटाक से वहाँ पर जाते हैं और वेदर को रेन में कन्वर्ट करते हैं। और भाई जो ग्लासेस है ना मेरे हाथ में, देख सकते हो, ये ना रेन को दिखने नहीं देंगे। मतलब अगर इसके दूसरी साइड से देखते हो तो रेन इनविजिबल रहेगा। लेट्स ट्राई एवी 1.20 के न्यू ऐड हुए, देखते भाई ये कितना सच होता है। और नहीं गाइस, दिस मिथ इज नॉट बस्टेड यार। अरे सॉरी, मेरा मतलब कि दिस मिथ बस्टेड। लेकिन मेरे पास एक और ग्लास है, ये थोड़ा अलग ब्लैक दिख रहा है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ये है कि जो हमने ट्राई किया वही है, तो इसकी हिसाब से देख तो मुझे तो लग रहा है कि नहीं गाइस, दोनों मुझे बारिश के रेन दिख ही रहा है, तो दिस मिथ इज बस्टेड भाई। तो लग रहा है यहाँ पे हमारे दो मिथ बस्टेड हो चुके हैं। लेकिन एक और मिथ ये है ना कि कैमल जो है ना फैंस को ना मतलब बहुत आराम से पार कर सकता है। तो फटाक से यहाँ पे भाई मैं काफ़ी सारे फैंस लगाता हूँ। और यहाँ पे कैमल और इसके ऊपर यहाँ पे सैडल और इसके ऊपर करते हैं राइड। अब देखता हूँ इसके ऊपर जाता है कि नहीं। और यस गाइस, ये मिथ फाइनली कन्फर्म है। बहुत देर बाद एक मिथ का पे कंफर्म हो चुका है। मुझे एक और चीज़ ट्राई करना है कि क्या ये जो बड़े वाले बॉल हैं क्या इन्हें भी पार कर सकता है क्या? दोनों को तुम साथ में लगाते, इसकी जस्ट मैं इधर ही लगा रहा हूँ। अरे भाई, ये तो ट्राई करने से पहले सक्सेसफुल करके दिखा रहा है। कोई नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे क्योंकि हमें वीडियो करनी है लंबी। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ नीचे, अब देखते भाई पार कर पाता है कि नहीं। और यस गाइस, यार आराम से कर पा रहा है। तो दिस मिथ इज कन्फर्म। ओके, वैसे हमारा नेक्स्ट मिथ है ना, उसके हिसाब से अगर कैमल के हम गर्दन पे मारते हैं तो भाई कैमल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स ट्राई। और भाई सही में इससे कोई फर्क नहीं पड़, ओहो मैंने इधर नीचे मार के फर्क पड़ गया। अरे भाई रुक, रिलैक्स, कोई नहीं मार रहा। देखो अगर मैं इसे यहाँ पे मारूंगा ना तो इसे डैमेज होगा, बट अगर इसमें गर्दन पे मारो तो डैमेज नहीं हो रहा, बट अगर साइड आके मारो तो हो रहा है। तो दिस मिथ ऑल दो कन्फर्म भाई। तो गाइस हमारा लास्ट मिथ बट नॉट द लीस्ट। तो गाइस हमें जो नोटबुक है जो 1.20 में ऐड हुए, अगर उनके ऊपर हम कोई भी मॉब का हेड लगाते बिल्कुल सेम साउंड निकालते। लेट्स ट्राई। और हाँ भाई, तो स्केटर एकदम सेम लगा रहा है क्रीपर का। ओ भाई, क्रीपर एकदम फटने वाला साउंड। और यहाँ पे ज़ॉम्बी भाई, तो रियल यार, ये मिथ तो कन्फर्म है। स्टीव का ट्राई करते हैं, इस चीज़ को कैसे निकालते हैं। नहीं यार, ये स्टीव का नहीं निकाल रहा को यार। तो गाइस, ये स्टीव के हेड को छोड़ के बाकी और सब मॉब का साउंड निकालते हैं एंटरटेनमेंट। इस वीडियो में इतना यार। आपको अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।